तो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपके भी सिम में यहाँ पे ई पकड़ ले रहा है? क्या आप इसको लेकर के परेशान हैं? तो दोस्तों, बता दूँ, इस परेशानी आज की इस वीडियो के बाद आपके फ़ोन में नहीं रह पाएगी। आप किसी भी सिम को यूज करते हो, जियो हो, वीआई हो या फिर एयरटेल, बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, अगर आपके हुई फ़ोन में ई का प्रॉब्लम आ रहा है ना, मतलब नेटवर्क यहाँ पे ई दिखा रहा है और आपका नेट नहीं चल रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको खुशी मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप अपने जो ई वाला प्रॉब्लम है ना, जो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर आप इसे सॉल्व कर पाइएगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए सेटिंग में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैं दो तरीका बताने वाला हूँ, दोनों तरीका में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या होता है, अगर यहाँ पे ई दिखा रहा है ना, तो आप यहाँ पे एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे एरोप्लेन मोड हटाएंगे, ई हट जाता है, या फिर आप स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देंगे तब भी ई हट जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे फ़ोन में ये नहीं काम करता है। एक सेटिंग है, उस सेटिंग को मैं आपको बताता हूँ। वो सेटिंग आप कीजिएगा, 100% आपका 4G यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको चलना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी सिम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफर नेटवर्क टाइप का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीफर LTE सेलेक्ट होगा पहले से। आपको क्या करना है, प्रीफर 3G या 2G ओनली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके फिर से प्रीफर नेटवर्क टाइप पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको प्रीफर LTE पे सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे लाइव देख लीजिए, हमारा जो डेटा है ना, मतलब जो हमारा नेटवर्क है ना, यहाँ पे 4G नेटवर्क आ चुका है। आइए हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं, देखते हैं कोई ऐप चला करके चल रहा है या फिर ऐसे ही आया है। तो दोस्तों, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो वीडियो है, यहाँ पे YouTube है, बिल्कुल रॉकेट से भी तेज चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया होगा, और जो यहाँ पे आपका नेटवर्क में ई दिखा रहा था वो अब नहीं दिखा रहा होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।